सतगुर प्रसाद सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रता सच रंग एको नाम आधार बेखिया रंग कूड़ा वेया दिसन सभ्यशार हार अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखे अपार हार मिलन नो मन लोचद करम मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया ओ तिन का सद बलहार नानक हर जी मया कर शब्द सुवारण हार सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उर हार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतसंग जी अज महान शहीद भाई साहब भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। आओ सतगुरां दे इन्हां बचनां दी विचार श्रवण करिए। विचार दी सेवा निभा रहे हन सत्कारयोग ज्ञानी रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा रकाबगंज साहिब। आओ उन्हां पासों बड़े प्यार नाल गुरमत विचारां श्रवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले साई कड़ी सुलखनी जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पुलेरी रुत बा अदब
शाहे शहनशाह सरबंसदानी पिता साहिबे कमाल तन तन गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जी महाराज जी की बख्शी फतेह की सांझ करो। कोई रसना वांझी ना रहे गज वज के बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भागां वाले हो आप बाला प्रीतम श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है सब दुख जाए। गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज जी दे पवित्र पावन सचखंड दरबार पावन बारगा गुरद्वारा बंगला साहिब जी दियाँ हाजरियाँ भरते हुए ज्ञान गुण सागर साहिब कुल आलम साहिब शहाबा साहिब असरार साहिब इकबाल चवर शतर तख्त दे मालिक नदरे नायत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का आनंद माणते हुए बड़े प्रेम दे नाल अमृत वेले दे पावन सुपाक समय आसा दी वार दी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सो। अज जिमें गुरु के वजीर जी ने दसिया है भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह होरां उस महान पावन पवित्र आत्मा अमर शहीद भाई तारू सिंह जी का अज शहीदी दिहाड़ा है। नाल ही सावन महीने की आरंभता का दिन है तो अज दे महीने दे द्वारा तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बारह माह बाणी दे अंदर जो उपदेश बख्शिश कीता है जो आप जी ने हुने ही तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ताबिया तो सरवण कीता है जिस दी विचार अते भाई साहब भाई तारू सिंह जी की शहादत दे संबंध दे विच विचारां दी सांझ करनी है। विचारां नाल जुड़न तो पहलों मन बिरतियां एकागर करदे होए चित नूं गुरु चरणां च टिकांदे होए एकाग्रता अते टिकाव वास्ते करो रसना पवित्र आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर प्यार अदब श्रद्धा भावना नाल उचारण करो सतनाम वाहे गुरु। बारह माह की पावन बाणी जीवात्मा और परमात्मा दे मिलाप दा जीवात्मा दे प्रभु तो विछोड़े दा और उस विछोड़े दे हाव भाव एक जीव इस्त्री किस तरह उस प्रभु परमात्मा दे लई तड़पदी है उस तड़प नू उस मिलाप नू उन्ना सारे जज्बाती भावां नू एक नायिका अते नायक दी कहानी दे अंदर कथा दे अंदर इस पावन बाणी दे अंदर महाराज जी ने साडे सामने रखिया है। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जो सर्ब प्रतपालक ते सर्ब नायक सारिया की पालना करन वाला ते सारिया दा हीरो नायक है। असी सारिया ही उस करते पुरख दियां पैदा कीतियां होईयां जीव इस्त्रियां हां और उस करते पुरख तो असी सारे ही विछड़े हुए हाँ। ये बारह माह बाणी के प्रारंभ के विच महाराज जी ने समझाना कीता है। अपने कर्मां दे कारण उस करते पुरख तो उस सर्ब पिता प्रतपालक नायक उस वाहिगुरु तो असी दूर होए हाँ। साढ़े विछोड़े का कारण साढ़े अपने कर्म ने साड़ी अपनी किरत है साढ़े अपनी जीवन किरिया है जिस दे कारण असी उस वाहिगुरु तो दूर होंदे हाँ। जदों भी जीव
जन्म लैंदा है। बाणी दे विच महाराज कहिंदे ने विच्चों गर्भ निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया। माता दे गर्भ तो जन्म लैंदियां ही लिब लगी होई जिहड़ी है वह परमात्मा दे नालों छुट जाती है। लिब छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया अपना ऐसा हुक्म वरतांदी है जिहड़ी माता दी भयानक जठर अग्नि दे अंदर भी लिब नहीं सी टुटी वो माया दे अमर दे नाल टुट जाती है। इन्ना प्रबल प्रभाव है माया दा मोह दा विकारां दा विषयां विकारां दे विच जीव जिहड़ा है वो लग जाता है। और देखो कैसी आश्चर्यता वाली गल है कि महाराज कहिंदे ने खसम विसार दुनी चित लाया। खसम नू मालक नू भुल के दुनिया दे विच चित ला लैंदा है जीव। और ये कित्थों शुरू हुंदा है इस बरीकी नू भी गुरु साहब जी ने बाणी दे विच बयान कर दिता है। कई बार असी सोचिए हैरान होइए कि किस तरह लग गया जी ये। महाराज कहिंदे ने याद करो, कहिंदे ने महाराज पहले प्यार लगा थण दुद्ध, इत्थों शुरू होया ये मोह। ये प्यार जिहड़ा सी ये परमात्मा तो दूरी जिहड़ी सी इत्थों ही शुरू हो गई। पहले प्यार लगा थण दुद्ध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी भेव, चौथे प्यार उपन्नी खेड। ये अगे अगे पढ़ोगे ना तो एक एक गल किस तरह दूरी पई परमात्मा तो, असी किवें दूर हुंदे गए। दुद्ध आहार दे मोह तो लै करके ये आहार दा अबोध बालक जिसने अजे माँ दे पेट तो जन्म ही लिया उहदे अंदर सब तो पहली जिहड़ी भुख है वह दुद्ध की पैदा हुंदी है, आहार की पैदा हुंदी है। आहार दे वास्ते बच्चा रोंदा है। वैसे भाई साहब भाई गुरदास जी ने अध्यात्मिकता का चिंतन करदिया होया इस दे होर भी कारण लिखे ने कि ये इस करके रोंदा है क्योंकि ये करते पुरख तो विछड़ के आया है। ये उन्हां दी दशा उन्हां दी भावना है। गुरु साहब जी कहिंदे ने कि इस दा जन्म लैंदियां ही सब तो पहला जिहड़ा है प्यार है। पहले प्यार लगा थण दुद्ध, दुद्धां दे नाल माँ दुद्ध देंदी है, ये चुप कर जाता है। धीरे धीरे जदों इहनूं भुख लगती है उदों रोंदा है। माँ हर वार इसनूं दुध देंदी है, इहदा दूसरा प्यार जिहड़ा है माँ दे नाल पै जाता है। पिता खिलाउंदा है फिर पिता दे नाल, फिर भाभी भेव भरा इत्यादिक परिवार दे कुटुंबी रिश्तेदार जितने भी फिर उहनां दे नाल ये मोह दा घेरा जिहड़ा है मोकला हुंदा जाता है, वधदा जाता है। धीरे धीरे ये दुध आहार तो लै करके फिर जीवन दे विच जिहड़ियां वस्तुआं लोड़ेंदियां ने उन्हां दे नाल और उस तो इलावा फिर उस तो भी बद जांदा है। लोड़ेंदियां चीज़ां तक तो गल जिहड़ी है वह समझ विच आंदी है, पर उस तो वधीक धन पदार्थां दी खिच पकड़ जिहड़ी है इन्नी अंदर प्रबल हो जाती है कि यह जीव करते पुरख वाहिगुरू जिसने साजिया बनाया रचिया उस करते पुरख नूं भुल करके ऐसा माया दे मोह दे विच खचत हो जाता है। किरत करम धंदियां दे विच कि धंदियां दे विच ही सुरत गवाच जाती है। हुण तुसीं दसो कि यह की है। महाराज कहिंदे ने किरत करम के विछड़े कर कृपा मिलो राम। अपनियां किरतां करमां दे कारण हे वाहिगुरू तेरे तो विछड़े हाँ, इवें विछड़दे हाँ असी। साढ़े फिर माया वही काम हो जाते ने, साडा चलना उठना देखना बैठना हर गल जिहड़ी है उहदे विच करते दिया अभाव हो जाता है। तो पकड़ जिहड़ी है माया की ममता जिहड़ी है उहदी बहुतात हो जाती है। उसकी बहुलता दे कारण सुरत जिहड़ी है इन्हां धंदियां विशियां विकारां दे विच ही खचत हो जाती है। तो साहब कहिंदे ने धंदा करतिआं निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। धंदा करदिआं होइआं ही
दुनियावी किरतां विरतां करदिआं दुनियावी विशिआं विकारां दे विच खचत होइआं ही जिंदगी जिहड़ी है उह लंघ जांदी है बतीत हो जांदी है। जन्म तो लै के अंत तक ये जिहड़ा जन्म मिलिआ सी भई प्राप्त मानुख दे हुरिआ गोबिंद मिलण की ये तेरी बरिआ वाहिगुरू नूं मिलण दी मिलाप दी ये वारी जिहड़ी मिली सी ये धंदिआं दे विच खचत हो करके होर दूरियां बना दिंदी है। सगों ते महाराज कहिंदे ने जिस नायक तो जिस करते पुरख तो असी विछड़े हाँ उस दे नाल मिलाप नहीं हुंदा। ये महाराज कहिंदे ने उस वाहिगुरू दे नाल मिलाप किवें होवे उस करते दे नाल सांझ किवें बने उहदे गुणां नूं अपने अंदर वसा करके उस प्रभु की सिफत सलाह उसनू अपने अंदर वसा करके सच्चे पातशाह कहिंदे ने सब तो पहलों इउं करो इस गल नू मन्नो कि असी वाकई ही हे वाहिगुरु तेरे तो विछड़े हाँ असी मनदे नहीं। पहलो ये गल मन लईए कि उस वाहिगुरु तो असी विछड़े हाँ उहनू असी विसारिया है उहनू असी भुलाया है। हुण दूजी गल भुला करके विसार करके मनना अपनी भुल गलती नू स्वीकार करना ये स्वीकार करना जड़ा है अपनी गलती नू अपनी भुल नू सुधारण दा आधार है। असी अपनी भुल नू मनदे ही नहीं तो सुधारांगे किवें। जड़ा बंदा अपनी भुल मन लैंदा है वही सुधारदा है। ये महाराज कहिंदे ने पहलों तो यह मनो कि साडे कर्म जिहड़े ने हे वाहिगुरु इदां दे ने जिहड़े तेरे तो दूर करन वाले ने मायावई ने विशियां विकारां दे विच खचत होयां धंदियां दे विच गलतान होयां दे साडे कर्म तेरे तो दूर करन वाले ने। इस करके असी मनदे हाँ कि असी अपनियां किरतां कर्मां दे कारण तेरे तो विछड़े होए हाँ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड विखे बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। तियां पुत्रां दे नाल प्रीत लगाई है माया मोह भरम पै भूले माया दे मोह दे विच ते भरम दे विच तैनू भुलाई बैठे हाँ। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। हुण दूजी गल ये अरदास करनी एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत असी सुनिया है जिवें भट्ट कहिंदे ने ना गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी शरण दे विच आ करके असी सुनिया है कि एक उत्तम रस्ता है तेरे नाल मिलाप हासिल करन दा अपने अवगणा अपने पापां तों छुटकारा पाउण दा ते तेरे चरणां दे विच अरदास करके बख्शाउण दा उत्तम रस्ता है तेरे गुरमुखां दी संगत तेरा नाम जपण वालियां दी संगत उत्तम रस्ता है। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तिह मिलंत जम त्रास मिटाई ये संगत दे विच मिल करके जमां दी त्रास मुक जांदी है। दुनियावी भौ भरम डर ये तां मुकदे ही ने जमां दी त्रास भी मुक जांदी है। फिर इस उत्तम राह दे उपर चलदिआं होइआं विकार रूपी जम भी नहीं नेड़े आउंदे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड जाहें वह भी छड के परे हो जांदे ने। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई ते फिर अरदास करनी एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। पाट कीरत जी कहिंदे ने हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह तुहाडे चरणां दे विच अरदास है बेनती है अज तुसीं आए हो बाला प्रीतम सच्चे पातशाह दे चरणां दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच ये अरदास करनी गरीब नवाज सच्चे पातशाह असीं भुल्लण हार असीं बेअंत भुल्लां गलतियां जीवन दे विच करदे हाँ गणती गणी ना छूटे कतहूं काची देह इयानी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बख्श निराली तेरी बख्शिश बड़ी निराली है साड़ियां भुल्लां ते अणगिणत ही ने कोई गिण ही नहीं सकता जिवें तुहाडे गुणां नूं तुहाडियां सिफतां तुहाडियां वडियाईयां नूं कोई गिण नहीं सकता साडे अवगुणां नूं वी कोई गिण नहीं सकता।
ते जे गिणन लग पए ते फिर छुटकारा नहीं होना, क्योंकि मुकनी ही नहीं। गणती गणे ना छुट्टे कतहूं। ते जे भुल्लां नूं गिण गिण के असी छुड़ाउण लग पए छुटकारे वास्ते खड़े हुन्ने हाँ, ते फिर छुटकारा नहीं होना। छुट्टे कतहूं, फिर कदे नहीं। इस जन्म दे ते भुल ही जाइए, असी छुट जावांगे। पर उहदे चरणां दे विच अरदास, उहदे अगे निम्रता दे नाल ए बेनती करनी, आप किरपा करो, तुहाडी बख्शिश निराली है, इस करके तुहाडे चरणां